प्रदेश के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में इन दिनों श्रावण अष्टमी नवरात्रों की धूम है। लोग इस दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कांगड़ा जिला के मां ज्वालामुखी दरबार में श्रावण अष्टमी के नवरात्रों को लेकर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों से आवश्यक जानकारी हासिल करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि प्रदेश में आई सदी में पुलिस जवानों ने अपनी ड्यूटी बेहतर ढंग से निभाते हुए आपदा का डटकर मुकाबला किया है। मानसून में उसमें जो ब्यास नदी का बेसिन है और सतलुज नदी का बेसिन है, इसमें बहुत ज्यादा बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसके कारण ब्यास में जितने भी जिले आते हैं, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, इंदौरा, इसमें काफी नुकसान हुआ। क्लाउड बस्ट हुए हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं, रॉक स्लाइड हुए हैं, कहीं कहीं जो सड़कें हैं वो केविन कर गई हैं, साथ ही साथ इतनी ज़्यादा बारिश हुई जिसके कारण घर ढह गए हैं। तो कुल मिला के आपदा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं हर जवान को, अपने पुलिस के जवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आपदा में वो लोगों की मदद में आए, उन्होंने जान और माल की बहुत रक्षा और सुरक्षा की, जिसके कारण जितना डैमेज होना था उससे काफ़ी कम हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मेरी फोर्स ऐसा ही करती रहेगी।